झांसी में खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में किसान घुट घुट कर जी रहे हैं। किसानों को समय पर बुवाई के लिए खाद और बीज सरकार उपलब्ध नहीं कर पा रही है, जिसके चलते लंबी लंबी लाइन लग रही है। समाजवादी पार्टी जो किसानों की सबसे मूलभूत, पूरा देश एक कृषि प्रधान देश है, जो पूरा देश किसानों पे चलता है, आज किसान दर दर भटक रहा है। और जो किसान के ही पूरे एक हृदय होता है समाज, जो पूरा वो पूरा देश में आज किसान है और किसान ही परेशान है। आप देख लो जिले भर में कितनी घटनाएं हो रही हैं, किसानों को कहीं जगह मारा जा रहा है, कहीं सोसाइटी पर उनके सचिव द्वारा कागज फेंके जा रहे हैं, किसान दिन दिन रात रात भर भूखा लाइन में लगा है, ये क्या हो रहा है। दूसरी बात, एक मूंगफली की फसल है, जो मूंगफली की फसल आप देखो MSP 6,600 है और आज व्यापारी 3,000-4,000 ले रहा है, तो ये क्या भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी पर। किसान अपनी जो मूंगफली के दाम भी नहीं ले पा रहा है या बुवाई नहीं कर पा रहा है, ये बीजेपी सरकार आखिरकार कर क्या रही है, किसानों को लूट रही है, व्यापारियों के साथ मिलकर पूरा किसानों को लूट रखा है। और जहां जहां देखा जाए तो वहां कहीं प्रशासन बदतमीजी कर रहा है किसान से, आखिरकार हो क्या रहा है। अभी हम लोग सिर्फ सार्वजनिक रूप से आए हैं, आज हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर हम लोगों की जो 5 सूत्रीय मांगे हैं, सबसे पहला हम लोगों का किसानों को टाइम से खाद मिल जाए, दूसरा जो किसानों की मूंगफली के दाम जो MSP के जो इनके नेफेड एफेड जो सरकारी संस्थाओं द्वारा जो खरीद की जाती है उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए, दूसरा जो हम लोगों के खादों की समस्या है। देश में लगभग किसानों की तादाद 80% है और 80% किसान पूरे देश को खाने की व्यवस्था कर रहा है। आज किसान भिखारी की तरह भटक रहा है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, टाइम से पानी नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार कह रही है हम किसान की आय दूनी कर देंगे, कहाँ से दूनी हो जाएगी किसान की आय, जब समय से उनको खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, समय से वो अपनी बोनी नहीं कर पाएंगे, समय से कुछ नहीं हो पाएगा उनका, तो कहाँ से पैदावार पूरी नहीं हो पाएगी, पैदावार के बाद उसको भाव भी नहीं मिल पाएंगे और किसान की आय कहाँ से दूनी हो जाएगी। इसीलिए दिन पे दिन देख रहे हैं आप भी, प्रतिदिन अखबार में छपता है कि आज यहाँ किसान ने हत्या की, आत्महत्या कर ली, उधर आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या कर रहा है किसान, क्या करे किसान। बेरोजगारी और महंगाई इतनी है कि घुट घुट के मर रहा है किसान। अभी तो हम खाद और बीज के लिए आए हैं, खाद टाइम से मिल जाए, बीज मिल जाए, किसान कम से कम अपना जो शुरुआती काम है वो तो अपना कर लिया टाइम से, फिर पैदावार ऊपर वाले की देन है, किसान तो ऊपर वाले पे है पूरा, पैदावार कैसी होती है उसके बाद उसको भाव कैसे मिलते हैं, ये तो सब फिर सरकार के ऊपर है। सरकार तो चल्ला चल्ला के डुबली कर रही है और बर्बाद कर दिया पूरे देश को।